क्या इसके पहले भी यूपीएससी ने किसी की उम्मीदवारी को किया था रद्द? प्रमाण पत्रों से लेकर हस्ताक्षर तक में गड़बड़ी के कारण प्रोबेशन के दौरान ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ट्रेनिंग का दौर हो या फिर स्थायी नियुक्ति के बाद का, गलत आचरण से लेकर भ्रष्टाचार तक में कभी भी आईएएस अफसरों को बर्खास्त किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी संस्था यानी यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। क्या इसके पहले भी यूपीएससी ने किसी की उम्मीदवारी को किया था रद्द? आज जानेंगे अपने शो में कि आखिर किन किन वजह और किन परिस्थितियों में यूपीएससी कर सकता है अपनी उम्मीदवारी को रद्द। नमस्कार, मैं काजोल नारायण, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी संघ लोक सेवा आयोग ने खत्म कर दी है। प्रमाण पत्रों से लेकर हस्ताक्षर तक में गड़बड़ी के कारण प्रोबेशन के दौरान ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में चयन का मतलब ये कतई नहीं है कि नियुक्ति स्थायी हो गई है। ट्रेनिंग का दौर हो या फिर स्थायी नियुक्ति के बाद का, गलत आचरण से लेकर भ्रष्टाचार तक में कभी भी आईएएस अफसरों को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। साल 2022 में सिविल सेवा परीक्षा में पहचान बदलने के साथ ही विकलांगता प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की आरोपित पूजा खेड़कर ने यूपीएससी की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया था। इसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही नहीं, इसी मामले को लेकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने साल 2009 से लेकर 2023 तक सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए सभी अभ्यर्थियों के आंकड़ों को खंगाल डाला। पिछले 15 सालों में चयनित ऐसी अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि पूजा खेड़कर को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार ने अनुमति से ज्यादा प्रयास का लाभ लेने का दोष नहीं पाया गया। इस कार्रवाई से पहले पूजा खेड़कर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, हालांकि उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। वैसे नियमता पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार लबासरा के पास भी नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने अकादमी में रिपोर्ट नहीं की। पूजा खेड़कर को जब LBSNAM तलब किया गया तभी अकादमी के अधिकार पर चर्चा शुरू हो गई। सवाल उठने लगे थे कि आखिर अकादमी ट्रेनी अफसर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकती है। इस पर रिटायर आईएएस अफसर और LBSNA के पूर्व निदेशक संजीव चोपड़ा के हवाले से बताया गया था कि उचित आधार होने पर किसी भी प्रशिक्षु अफसर को बर्खास्त करने का अधिकार अकादमी के निदेशक के पास भी है और ऐसा पहले भी हो चुका है। ये साल 1981 का मामला है जब अकादमी के तत्कालीन निदेशक PS अप्पू ने एक ट्रेनी अफसर को बर्खास्त कर दिया। हालांकि वह मामला अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ था। उस वक्त ट्रेनिंग में ट्रैकिंग के दौरान एक ट्रेनी अफसर ने खूब शराब पी ली थी। इसके बाद रिवॉल्वर लोड कर दो महिला ट्रेनी आईएएस अफसरों पर तान दी थी। इस मामले की जांच में अफसर को दोषी पाया गया था। इसके बाद गलत आचरण के दोषी ट्रेनी अफसर को अकादमी के तत्कालीन निदेशक ने बर्खास्त कर दिया था। पूजा खेड़कर का मामला तो अनुशासनहीनता के साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर पहचान बदलने से भी जुड़ा है। उनके खिलाफ दिल्ली में FIR तक दर्ज कराई जा चुकी है। यही नहीं, दिल्ली की कोर्ट में उनकी ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। अगर कोर्ट जमानत नहीं देती है तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ट्रेनी अफसरों से कहीं ज्यादा स्थायी आईएएस अफसरों की बर्खास्तगी अलग अलग मामले में हो चुकी है। 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर अरविंद जोशी के घर पर छापेमारी के बाद अरबों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। उनकी पत्नी टीनू जोशी भी आईएएस अफसर थी। इसके बाद भ्रष्टाचार के मामले में पति पत्नी को सेवा से हटाने का प्रस्ताव अक्टूबर 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को दिया था। 2014 के जुलाई में दोनों को बर्खास्त कर दिया गया था। साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित कैडर के आईएएस अफसर के नर्सिंग को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में बर्खास्त किया गया। वहीं 1991 बैच के आईएएस थे। वैसे स्थायी आईएएस अफसरों और ट्रेनी की बर्खास्तगी के लिए अलग अलग नियम है। स्थायी रूप से नियुक्ति आईएएस अफसरों को संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत बर्खास्त किया जाता है। इसके तहत सबसे पहले आईएएस अफसर के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाता है। इसके साथ सेवा नियमों के अनुसार जाँच भी होती है। कुछ अपवाद मामले भी होते हैं जिसमें जाँच नहीं होती। वही कोई प्रोबेशनरी आईएएस अफसर अगर ट्रेनिंग के बाद परीक्षा में फेल होता है तो उसे फिर मौका मिलता है। इसमें भी फेल होने पर उसकी सेवा खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार को अगर ये लगता है कि कोई प्रोबेशनरी आईएएस अफसर नियुक्ति के योग्य नहीं है तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा कोई अफसर अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों की जानबूझकर अनदेखी करता है, उसमें ज़रूरी गुणवत्ता चरित्र नहीं मिलता तो भी बर्खास्त किया जा सकता है। बाकी यूपीएससी और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी इनकी उम्मीदवारी रद्द करने बर्खास्तगी का अधिकार है ही।
हालांकि इस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाते हैं। आईएएस अधिकारी की सेवा के नियम और बर्खास्ती का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 311 में है। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य होता है, उसकी नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी के अलावा कोई और उसे पद से नहीं हटा सकता। यानी अगर कोई संघीय सेवा का अफसर है तो उसे केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति, और कोई राज्य की सिविल सेवा का अफसर है तो उसे राज्य की सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल बर्खास्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।